नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन गवर्नमेंट जॉब में। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं नए नए नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आज 67 खाली पदों पर भर्ती निकाली गई है। वैकेंसी की डिटेल जो दी गई है वो नंबर एक में जो इन्होंने दिया है कंपनी प्रोसिक्यूटर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, इसमें इन्होंने 11 खाली पोस्टों पर यह भर्ती है। OBC कैंडिडेट के लिए 2, EWS के लिए 2 और अनरिजर्व के लिए 7 खाली पोस्टों पर यह भर्ती है। पे स्केल के बारे में दिया है इन्होंने, पे मैट्रिक्स का लेवल 7 रहेगा, ग्रुप बी की गजेटेड पोस्ट है, एज लिमिट 30 साल, क्वालिफिकेशन जो दी है वो डिग्री इन लॉ, डिजायरेबल नॉलेज ऑफ कमर्शियल लॉ, एक्सपीरियंस ऑफ कंडक्टिंग कंपनी लॉ केसेस। सेकेंड नंबर पर इन्होंने दिया है प्रोसिक्यूटर की पोस्ट के लिए इन्होंने दिया है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, इसके लिए एक खाली पोस्ट है और अंग्रेजों कैटेगरी के लिए है। उसके बाद इन्होंने पे स्केल जो दिया है, पे मैट्रिक्स का लेवल 8 रहेगा, ग्रुप बी की गजेटेड पोस्ट है, एज लिमिट जो 30 साल है, क्वालिफिकेशन जो दी है ग्रेजुएट डिग्री या बैचलर डिग्री इन लॉ, 1 साल का एक्सपीरियंस। इसके बाद इन्होंने नंबर 3 पे जो दिया है वो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर टॉक्सिकोलॉजी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, इसके लिए 2 खाली पोस्टें हैं, EWS के लिए 1 और अनरिजर्व के लिए 1। पे स्केल जो दिया है वो पे मैट्रिक्स का लेवल 7 रहेगा, ग्रुप बी की गजेटेड पोस्ट, एज जो दी है वो 30 साल और क्वालिफिकेशन जो दी है इन्होंने मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी, 2 साल का एक्सपीरियंस रहेगा। उसके बाद इन्होंने 4 नंबर पर दिया है डायरेक्टर के लिए, इसमें जो स्टाफ ट्रेनिंग प्रोडक्टिविटी, इसमें फैक्ट्री एडवाइज सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट्स मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए 1 खाली पोस्ट है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। पे स्केल का जो लेवल रहेगा वो पे मैट्रिक्स का लेवल 12 रहेगा, ग्रुप ए की गजेटेड पोस्ट है, एज लिमिट इस पोस्ट के लिए 50 साल दी है और क्वालिफिकेशन जो दी है वो डिग्री इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये इसके लिए क्वालिफिकेशन रहेगी। एक्सपीरियंस जो दिया है वो 10 साल का एक्सपीरियंस रहेगा आपका इंजीनियरिंग वर्कशॉप का। उसके बाद 5 नंबर पे इन्होंने दिया है स्पेशलिस्ट जो दिया है वो Grade 3 के लिए डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके लिए 7 खाली पोस्टें हैं, ST के लिए 1 और अंग्रेजों कैटेगरी के लिए 1। इसके लिए जो पे स्केल रहेगा वो 15,600 रुपये से 39,100 रुपये रहेगा, ग्रेड पे 6,600 रुपये 6,600, एज लिमिट जो दी है वो 45 साल और क्वालिफिकेशन MBBS, एक्सपीरियंस आपका 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस रहेगा। उसके बाद जो इन्होंने 6 नंबर पे जो दिया है वो स्पेशलिस्ट Grade 3 में ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसमें 9 खाली पोस्टें हैं, SC के लिए 4, ST के लिए 1 और अनरिजर्व के लिए 4 खाली पोस्टें हैं। पे स्केल 15,600 से 39,100 रुपये और ग्रेड पे 6,600 रुपये रहेगा, ग्रुप ए की गजेटेड पोस्ट है, एज लिमिट 45 साल और क्वालिफिकेशन इसमें MBBS मांगी गई है और 3 साल का आपका इसमें एक्सपीरियंस रहेगा। तो इन्होंने 7 नंबर पर जो दिया है वो स्पेशलिस्ट Grade 3 में ऑफ्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसमें 2 खाली पोस्टें हैं, SC के लिए 1 और ST के लिए 1। पे स्केल जो दिया है वो 15,600 से 39,100 रुपये, ग्रेड पे 6,600 रुपये, ग्रुप ए की गजेटेड पोस्ट है, क्वालिफिकेशन MBBS, 3 साल का एक्सपीरियंस रहेगा। तो इसमें फिर 8 नंबर पे जो दिया है वो स्पेशलिस्ट Grade 3 में ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसमें 9 खाली पोस्टें हैं, SC के लिए 3, ST के लिए 1 और अंग्रेजों के लिए 5 खाली पोस्टें हैं। पे स्केल 15,600 रुपये से 39,100 रुपये, ग्रेड पे 6,600 रुपये, ग्रुप ए की गजेटेड पोस्ट है ये भी, एज लिमिट इसमें 45 साल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो दी है वो MBBS, 3 साल का एक्सपीरियंस रहेगा।
तो इन्होंने यहाँ 9 नंबर पे जो दिया है वो स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 में पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके लिए 18 खाली पोस्टें हैं, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 3, एडब्ल्यूएस के लिए 1, रिजर्व के लिए 7। पे स्केल 15,600 रुपये से 39,100 रुपये, ग्रेड पे 6,600 रुपये, एज लिमिट 45 साल, क्वालिफिकेशन MBBS और इसमें एक्सपीरियंस जो रहेगा वो 3 साल का आपका एक्सपीरियंस रहेगा। इसके बाद 10 नंबर पे इन्होंने स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 में साइट्रिक्स डिपार्टमेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 7 पोस्टें हैं, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1 और अनरिजर्व के लिए 5 खाली पोस्टें दी हैं। पे स्केल 15,600 रुपये से 39,100 रुपये, ग्रेड पे 6,600 रुपये, ग्रुप ए की गजटेड पोस्ट है, क्वालिफिकेशन MBBS, 3 साल का आपका एक्सपीरियंस रहेगा। उसके बाद जो इन्होंने ये डेट्स जो दी हैं, जो आपकी क्लोजिंग डेट ऑनलाइन जो सबमिशन की रहेगी वो 14/11/2019 रहेगी, और इन्होंने यहाँ अपनी वेबसाइट दी है, इस वेबसाइट पे आपने अपने फॉर्म फिल करने हैं, वो दी है upsconline.nic.in, इस पे जाके आपने अपने फॉर्म फिल करने हैं। सारी जो इंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी डिटेल हैं आपको इनकी वेबसाइट पे मिलेगी। इसके बाद जो इन्होंने एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताया है कि एप्लीकेशन फ़ी जो है इन्होंने 25 रुपये रखी है, और एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड और वुमेन कैंडिडेट से कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, यानी फ़ीस में छूट दी गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नए अपडेट पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से अपनी सारी जानकारी जुटा सकते हैं। धन्यवाद।